नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हम इसी तरीके से जो भी नया वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर है सेंट्रल आर्म्स सिलेक्शन बोर्ड इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत, भारतीय वायुसेना के अंतर्गत। दोस्तों आप सभी कैंडिडेट जो कि हैं 12th पास आउट, साथ ही हों या आप आर्ट्स से हों या फिर साइंस से या फिर हों बायो ग्रुप से, कर सकते हैं आप अप्लाई यहां पर एक्स और बायो ग्रुप के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे इसकी सारी जानकारी, साथ ही बताएंगे आपको कि आप ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे कैसे भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताएंगे, साथ ही बताएंगे सिलेबस, एज लिमिट बताएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएंगे और बताएंगे आपको संपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पर इसकी जानकारी। सबसे पहले देखते हैं इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन, देख लीजिए दोस्तों, ये है इसका शॉर्ट मैन नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आप देख लीजिए, इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के अंतर्गत दोस्तों आप सभी कैंडिडेट को मिलती है बंपर भर्ती एक्स ग्रुप और बाय ग्रुप की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आ गया था 11 दिसंबर 2019 को और फॉर्म भरना हुए हैं आज की डेट से ही स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, 2/1/2020 दो जनवरी से फॉर्म भरना होगा इस स्टार्ट, और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों, लास्ट डेट देख सकते हैं आप, इसकी लास्ट डेट है 20 जनवरी 2020। एग्ज़ाम संभवतः होगा 19 मार्च से 23 मार्च के बीच में इसका होगा एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड रहेंगे दोस्तों वो आ जाएंगे आपके मार्च के फर्स्ट वीक में। यहाँ पर रिजल्ट की डेट नहीं आई है और ना ही सेकंड की आई है, जैसे ही आती है मेंस की तो हम आपके लिए ज़रूर सूचित करेंगे। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की, आवेदन शुल्क की, तो जनरल और OBC कैंडिडेट को लगना है यहाँ पर 250 रुपये की फ़ीस, SC ST को भी दोस्तों यहां पर 250 रुपये की फीस भर सकते हैं आप, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, या फिर भर सकते हैं आप एक्सिस बैंक के ई चालान के थ्रू। बात करते हैं दोस्तों यहां पर बाकी जानकारी, फिजिकल एलिजिबिलिटी में PET में देख लीजिए दोस्तों, यहां पर हाइट होना चाहिए मिनिमम कैंडिडेट के लिए 152.5 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, यहां पर 152.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और चेस्ट 5 सेंटीमीटर आपको फुल होना चाहिए, आपका चेस्ट होना चाहिए, जितना भी यहाँ पर वेट होना चाहिए 55 किलो कम से कम। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट की, आयु सीमा की बात करें तो एक्स और बाय ग्रुप के लिए दोनों के लिए दोस्तों यहाँ पर एक सी एज लिमिट रखी गई है। दोबारा से दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम एज लिमिट थोड़ा सा कंफर्म करते हैं, एक्स और बाय ग्रुप के लिए दोनों के लिए यहाँ पर 17 जनवरी 2000 से आपकी डेट मापी जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 30 दिसंबर 2003 के बीच में होना चाहिए आपकी यहाँ पर एज लिमिट। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो दोस्तों यह एक्स ग्रुप आप सभी कैंडिडेट को पता है, एक्स ग्रुप है टेक्निकल, टेक्निकल में आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे केवल और केवल यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ सब्जेक्ट से किया हो 12वीं, फिजिक्स साथ में होना चाहिए, साथ ही होना चाहिए आपका इंग्लिश सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% के साथ। जी हाँ दोस्तों, 50% होना चाहिए आप सभी कैंडिडेट के लिए जो कि करना चाहते हैं यहाँ पर एक्स ग्रुप टेक्निकल से अप्लाई। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बाकी में तो और में दिया गया है दोस्तों, यदि आपने 10th क्लास के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है 50% के साथ तो आपका मान्य रहेगा, यहाँ पर आप कर सकते हैं टेक्निकल के लिए। बाय ग्रुप की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बाय ग्रुप में 10/2 12वीं क्लास पास आउट हो किसी भी सब्जेक्ट के साथ, जिसमें होना चाहिए आपका इंग्लिश, आपने किया हो आर्ट से, बायो से हो, कॉमर्स से हो, तो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर अप्लाई, लेकिन 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ ही इंग्लिश में भी होना चाहिए 50%। यदि आपने किया है 2 साल का 12वीं क्लास का कोर्स, वोकेशनल कोर्स, उसमें भी दोस्तों यहां पर 50% होना चाहिए आपके यहां पर परसेंट। तो चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन दिखाते हैं, साथ ही आपको पूरी जानकारी बताते हैं सिलेबस से संबंधित, फिजिकल से संबंधित। तो दोस्तों ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का ये दिया गया है, यहाँ पर आप सारी जानकारी देख सकते हैं, जानकारी आप देख सकते हैं हाइट से संबंधित 152.5 सेंटीमीटर, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके लिए वजन का भी दिया गया है, वेट का भी दिया गया है,
चेस्ट का भी पूरा जानकारी दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों हम कवर करेंगे जो मेनली जानकारी है हमारे लिए वो ये जानकारी, बाकी जानकारी मैंने आपको नॉर्मली तरीके से बता दी है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का भी आप देख सकते हैं 17 जनवरी से। एक्स ग्रुप के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी फाइंड करके दी गई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर दिया गया है वेतन मान, देख लीजिए 14,600 ये रहेगा बेसिक पे। इसके बाद TA DA HR हाउस रेंट अलाउंस साथ ही सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। 33,100 पर मंथ के हिसाब से रहेगा। बाय ग्रुप के लिए रहेगा 26,900 के समथिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया है। पे स्केल से संबंधित यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद देख सकते हैं आप, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए ये है आपका नो नील जीरो माइनस मार्किंग रहेगी अटेम्प्ट इन क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी सिलेबस से संबंधित दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। साथ ही देख सकते हैं अपना